तो आपने सुना ही होगा कि सोशल मीडिया क्विट करने से लोग बोलते हैं कि यार थोड़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आती है, लाइफ शॉर्ट हो जाती है। पर आज की डेट में जहाँ पे हम में से बहुत सारे लोगों का एक्चुअल काम, ऑफिस का वर्क से लेके इवन बहुत सारी और चीज़ें, या हम लोग कोई साइड हसल या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी एंगल में सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं एंड वो चीज़ों को थोड़ा सा और मुश्किल कर देता है एंड इट टेंड्स टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू क्विट सोशल मीडिया ऑल टुगेदर। बट बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ 10-15 गुना बेटर हो सकती है, इवन जस्ट अगर हम किसी तरीके से हमारा सोशल मीडिया कंजम्पशन को लिमिट कर दें ताकि हमको थोड़ा सा फोकस करने का या सोचने का डेप्थ में टाइम मिल पाए। बट करना क्यों है, क्या इसका काम है, कैसे करना है, वो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन वगैरह जरूर दबा दें, सब्सक्राइब अगर आप नहीं है चैनल पे, आपको ऐसे वीडियोस पसंद है मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल। तो लेट्स लुक एट कि क्या क्या चीजें चाहिए, बट उसके पहले बात करते हैं कि क्यों आपको ये करना चाहिए। तो अगर आप सोशल मीडिया का ओवरऑल लैंडस्केप देखें, आप ट्विटर देखें, सारा दिन कुछ चल रहा है, एक बंदा दिन के 20-30 ट्वीट कर रहा है यहाँ पे एंड कंसिस्टेंट एक ऐसी चीज चलती आ रही है कि यार देखो देखो देखो। उसमें भी आप देखें तो मैक्सिमम चीजें जो ट्विटर पे पुश हो रही हैं वो नेगेटिव हैं। एंड इसमें ट्विटर वाले जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स के नेचर में एक पॉइंट है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो सैड चीजें हैं, वो दुगना तेजी से आगे बढ़ती हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चीजें। बट इफ यू लुक एट अदर प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम एटसेट्रा, वहां पे क्या प्रॉब्लम, वहां पे एम्बिशन का प्रॉब्लम है, एस्पिरेशन का प्रॉब्लम है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे ना कोई भी बंदा अपनी पूरी लाइफ नहीं डालता और नहीं डाल सकता, वो बहुत ही क्यूरेटेड एक लाइफ डालते हैं। तो मैं अगर अच्छा खाना खा रहा हूँ मैं वही डालूंगा, अगर किसी दिन मैंने गंदा खाना खाया या ऐसा खाना खाया जो मुझे पसंद नहीं आया, या मैंने एक दिन में 25 घंटा काम किया लिटरली या चलो ठीक है 25 तो नहीं खैर 20 घंटा काम किया, 4 घंटे की मुझे नींद मिल पाई एंड उस दिन में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई, मैं वो क्यों डालूंगा सोशल मीडिया पर। आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, लोग इंटरेस्टेड हैं एस्पिरेशंस में, मैं गोवा घूमने गया, फिर मैं यहाँ घूमने गया, फिर मैं वहाँ घूमने गया, मैंने बैक टू बैक वो फोटोज डाले। अब आपको नहीं पता कि वो फोटोज 2 साल पुराने हैं, 1 साल पुराने हैं, कब के हैं, कैसे हैं, बट अगर आप मेरी फीड पे देखो क्यूरेटेड, आपको लगेगा यार ये बंदा तो हर महीने घूमने निकला हुआ है, ये बंदा तो यहाँ जा रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, इतनी इसकी लाइफ बढ़िया है, मैं ही कुछ खराब कर रहा हूँ, मेरी ही लाइफ घटिया है, मेरी ही लाइफ बोरिंग है, मेरी ही लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, मैं ही आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। एंड दोस्तों ये सिर्फ आपको नहीं, मेरे को भी होता है, सबको होता है। इनफैक्ट जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं इवन एज कंटेंट क्रिएटर्स, उनको तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड इंस्टाग्राम का ये क्लासिक प्रॉब्लम। ऑल ऑफ दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस इनटू आवर लाइव्स, अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड कि यार मेरी लाइफ इज नॉट इनफ, और इवन मैं अगर मेरी लाइफ को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा या आई विल हैव टू फेक इट टिल आई मेक इट, विच टेंड्स टू बी काफी टैक्सिंग, क्योंकि हमको चीजें फेक करनी पड़ रही है, हमारी पर्सनैलिटी फेक करनी पड़ रही है, हमारी लाइफ फेक करनी पड़ रही है, तो वो दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी लाइफ के लिए। तो अब गिवन दिस बैकड्रॉप द एक्चुअल कंक्लूजन इज कि सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर अगर हम 2023-2024 आने को हो गया है अभी, हमारी लाइफ देखें तो सोशल मीडिया पे रहे बिना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर जो है उनको एक्सपेक्टेड होगा कि हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल होंगे, वो चेकआउट करना चाहेंगे। अगर हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है दैट मेक्स अस लुक एज स्कैमर्स एज वेल। तो कुछ चीज़ें चूज करके हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट रेगुलर कि क्या चल रहा है दुनिया में, थर 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 मेरे को फीड मिले, तो आप ट्विटर पर मत साइन अप करें, एक्स इन दिस केस उस पर मत साइन अप करें, ये तो एक पार्ट है। So you choose your platform. But one of the things जो मैंने किया है, अब मेरा तो काम ही social media marketing का है, तो मेरा काम ही इस पे revolve करता है। But I did notice कि जितना ज़्यादा मैं time spend कर रहा था, उतना one I wasn't learning more about my field, I wasn't learning about marketing, मैं नई चीज़ें नहीं सीख रहा था, मेरे को मेरी life बहुत caged in लग रही थी, मेरी life ऐसा लग रहा था यार आगे बढ़ नहीं रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट आगे बढ़ नहीं रही है। And of course कि कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मैं खुद पे focus नहीं कर पा रहा हूँ, अपने skills को next level पे लेके नहीं जा पा रहा हूँ, so things are not going to progress as fast. So one of the things that I've started to do is कि मैं दिन का 2-3 घंटा ऐसा निकालता हूं जब मैं फोन मेरे आसपास भी नहीं होता एंड आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, आई कुड बी स्टडिंग बट आई कुड इवन बी सिटिंग विद अ कॉफी का कप या चाय का कप मेरे हाथ में और मैं सोच रहा हो सकता हूं। व्हाट दिस हैज डन इज, एंड पहले मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था इट वॉज वेरी डिफिकल्ट यार, हर एक एक मिनट में ना ऐसा मन करता था फोन निकालो, ऐसे हाथ में ना ऐसे ऐसा कुछ होता था, लाइक लिटरली हाथ ऐसे ऐसा करने का मन करता था, जैसे आपने नोटिस किया होगा सिगरेट वाले होते, लिटरली वो सिचुएशन थी कि ऐसा कि यार आई नीड दैट फोन एंड आई फेल्ट कि यार कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिस हो रहा है, हर मिनट में उस तरह की फीलिंग आ रही थी। स्टार्टिंग का पकड़ो 10-15 दिन बहुत मुश्किल था एंड आई रियलाइज डैम मतलब सही में मेरे को बहुत ही गंदा एडिक्शन हो चुका है इस चीज का। एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दिस, आप हफ्ता भर ऐसा ट्राई करके देखे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँ कि मैं पूरे दिन में सोशल
मीडिया नहीं चला रहा था मेरे कंप्यूटर पे, फिर भी स्क्रीन में हमेशा ट्विटर वगैरह ये सारी चीजें खुली रहती हैं, जस्ट बिकॉज मेरा काम वो है। बट ये मैं सिर्फ सुबह के चाय कॉफी का टाइम जो मैं 15 मिनट की बजाय मैंने सोचा एक घंटा स्टार्ट, मैंने ऐसे किया एक घंटा बिना किसी चीज को हाथ लगाऊंगा, एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट जस्ट लुकिंग लाइक अ बू। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये देखना पड़ेगा, एंड आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कितनी गंदी एडिक्शन लगी हुई है इस चीज की। इसका प्रॉब्लम ये है कि हमको वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है। देखिए, हमारा अगर ह्यूमन ब्रेन है ना, वो जब नई चीजें सीखता है, नई चीजें करता है, तब उसको एंटरटेनमेंट मिलता है, उसको खुशी मिलती है। अब खुशी मिलने पे क्या रिलीज होता है? डोपामीन। दैट डोपामीन इज आर्टिफिशियली रिलीज्ड एवरी सिंगल टाइम यू इंटरैक्ट विद समबडी ऑन सोशल मीडिया। जब आप लाइक का नोटिफिकेशन देखते हैं, फॉलोअर का नोटिफिकेशन देखते हैं, या किस तरीके का नोटिफिकेशन देखते हैं, आपके बॉडी में डोपामीन प्रोड्यूस होता है। तो आपका फोन आर्टिफिशियली डोपामीन को धड़ तेजी से प्रोड्यूस कर रहा है। उससे दो प्रॉब्लम हो रही है। एक जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना एडिक्शन पॉइंट, क्या है कि मेरी बॉडी अब डिपेंडेंट हो रही है एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, एक्सटर्नल किसी चीज पे, कि वो खुशी वाला हार्मोन मेरे लिए जनरेट कर पाए। इंटरनली मैं वो जनरेट नहीं कर पाऊंगा विद टाइम, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। आप सोचें इससे मेरी इंटरनल हैप्पीनेस का क्या होगा, एंड आपकी इंटरनल हैप्पीनेस का क्या होगा, बेसिकली मेरी मतलब हमारी ही बात कर रहा हूँ। तो वो एक पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार सेटिस्फेक्शन इन रिलेशनशिप्स इन लाइफ इज गोइंग टू कम फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। वन ऑफ द चैलेंजेस जो मैं आपको आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, 30 दिन यहाँ पे आप पकड़े, दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 31 आप स्टार्ट करें। फॉर 30 डेज दिन में आपने 2 घंटा ऐसा निकालना है व्हेन यू डोंट हैव योर फोन, यू डोंट हैव ईयरफोन्स, आपने कोई ऑडियो बुक नहीं लगाई है, गाने नहीं लगाए। फोन ना होने का मतलब ये नहीं कि गाने लगा के जिम कर रहे 2 घंटा, ना 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 ना, नथिंग। वॉक करें, 1 घंटे का अपना वॉक कर लें बिना ईयरफोन्स बिना फोन के, 1 घंटा अपना जिम कर ले, ये भी चल जाएगा। कुछ और एक्टिविटी करें, बट ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें ना आप ईयरफोन्स लगा के हैं, ना आप फोन लगा के, ना आपके सामने कोई स्क्रीन है। जिम में अब अनफॉर्चुनेटली गाने और ये सब चलता है, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसलिए मैंने चाय वगैरह ये वाला एंगल उठाया कि मैं चाय वाय पीऊंगा अपना मस्त बैल्कनी बैठ के, और किताब पढ़ लूंगा, ज्यादा होगा तो नहीं किताब पढ़नी नहीं पढ़ूंगा। ये 30 डेज आपने करना है, 1 घंटा निकाल लें और 1 घंटे से प्रोग्रेस करें 2 घंटे पे। आइडियली बाय द एंड ऑफ 30 डेज 2 घंटा होना चाहिए, एंड उसके बाद आप देखें कि आपकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड आपका हैप्पीनेस ओवरऑल किस लेवल पे है, एंड आप क्या फील कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। एंड आई कैन गारंटी दिस कि आप बहुत बहुत बेटर फील करेंगे अपने बारे में। सो टेकिंग अवे सोशल मीडिया स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा, एंड मैं ये नहीं बोल रहा ऑफ कर लो पूरा, अपना सारे अकाउंट वगैरह बंद कर दो, वो तो कोई मतलब नहीं बनता है, वो थोड़ा सा पागलों वाला अप्रोच है आज की डेट में। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स स्टार्ट स्मॉल, एंड थोड़ा थोड़ा टाइम हम ऐसा निकालें जहाँ पे वी आर एबल टू थिंक डीपली, वी आर एबल टू वर्क डीपली, भले ही हमारे खुद के क्वेश्चन हो, करियर हो, लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी हो, विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट टीवी, विदाउट एक्सटर्नल चीज़ें जो हमको खुशी दे रही। लेट्स स्टार्ट देयर एंड लेट्स सी हाउ लाइफ प्रोग्रेसेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपने ऑलरेडी बाय द वे ट्राई किया है एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो विद दैट गाइस आज का वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।